स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वलेंट सेट्स की। नेक्स्ट टाइप इक्वल सेट किया था। इक्वल सेट में हमने बात की थी कि सेम नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर सिमिलर। इक्वलेंट सेट्स की जब हम बात करते हैं, किस सेट को हम इक्वलेंट सेट्स कहेंगे, तो टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट उनको इक्विवेलेंट बोलेंगे। इफ they have exactly same number of elements, उनमें same number of elements होने चाहिए, exactly same number of elements। For example, we have a two sets, A set is 1, 2, 3 or B set containing A, B, C. Both sets are containing same number of elements, इसमें भी तीन elements हैं, इसमें भी तीन elements हैं, but elements are not same नहीं है, but counting same होनी चाहिए, means finite, two finite sets, finite means countable, जो sets countable हैं। एग्जैक्टली सेम नंबर की बात कर रहे हैं कि उनमें एलिमेंट्स की काउंटिंग सेम होनी चाहिए। इसमें तीन एलिमेंट्स हैं तो इसमें भी तीन ही एलिमेंट्स हैं। वेदर इट इज़ सेम और नॉट सेम दैट डजंट मैटर, वो चीज़ मैटर नहीं करती, ओनली काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो चीज़ यहाँ पे मैटर करती है। इक्वल सेट्स में हमने कहा था कि एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, वहाँ हम काउंटिंग की बात नहीं कर रहे। काउंटिंग होने के साथ साथ हम सेम एलिमेंट्स की भी बात कर रहे हैं कि एलिमेंट्स भी उनमें सेम होने चाहिए और काउंटिंग भी इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वलेंट सेट की जनरल नोटेशन हम अगर लिखना चाहें तो इक्वलेंट सेट को ए इज इक्वलेंट टू बी, इन दिस सिंबल वी कैन यूज़ फॉर इक्वलेंसी। ये इक्वलेंस कैसे प्रूव करना है, लेट्स अगेन आई एम राइटिंग ए इज इक्वलेंट टू बी, इन दिस वे वी कैन राइट। नेक्स्ट थिंग इज ऑर्डर ऑफ ए सेट। ऑर्डर ऑफ सेट क्या चीज होती है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट ए is called its order or another name is cardinal number, इसको cardinal number भी कहा जाता है। The number of elements of a finite set, जो set countable हो, finite means countable, or its ऑर्डर, जितने उसमें एलिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उसका ऑर्डर होगा, सो इसको कार्डिनल नंबर भी कहा जा सकता है। और इट इज़ डिनोटेड बाय एन ऑफ ए, अगर ए सेट है तो एन ऑफ ए। फॉर एग्जांपल वी हैव ए सेट ए, ए इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, दीज आर द एलिमेंट्स। नाउ ऑर्डर ऑफ सेट, इसका ऑर्डर लिखना चाहिए हमें, तो ऑर्डर ऑफ सेट क्या होगा, सेट ए, ए सेट का ऑर्डर लिख रहे हैं, तो दैट इज एन ऑफ ए। एन ऑफ ए हाउ मेनी एलिमेंट्स आर एग्जिस्टिंग, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 एलिमेंट्स आर एग्जिस्टिंग, तो ऑर्डर ऑफ दैट सेट इज 5, एन ए इज इक्वल टू 5। और वन मोर एग्जाम्पल, if we have
बी सेट, बी सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16, वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन, कि एक्स किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। तो वो एलिमेंट्स लेने हैं जो स्क्वायर में फॉर्म में, अगर उनका स्क्वायर करें और वो नेचुरल नंबर भी हों और उनका स्क्वायर करें तो वो 16 से लेस भी हों और 16 के इक्वल भी हों। तो फर्स्ट एलिमेंट जो नेचुरल नंबर का है 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आएगा, तो वो लेस भी है 16 से, इक्वल चाहे नहीं है। 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं तो वो 4 आता है, लेस देन 16 है बट इक्वल टू 16 नहीं है तो 2। अनदर इज 3 का स्क्वायर करें तो 9 लेस देन 16 बट नॉट इक्वल टू 16। 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर करें तो 4 इज़ इक्वल टू 16 भी है और कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और नेचुरल नंबर्स भी है। तो यहीं तक एलिमेंट्स होंगे, 5 पे नहीं जाएंगे क्योंकि 5 का स्क्वायर करें तो 25 आता है, तो यही एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो दैट इज सेट बी, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ बी। तो ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा, कितने एलिमेंट्स आए, 4, तो ऑर्डर इज 4, तो इसका ऑर्डर 4 होगा। तो इन दिस वे वी कैन राइट द ऑर्डर ऑफ ए सेट, ये ऑर्डर ऑफ सेट्स कैसे लिखना है, तो ये मेन चीज़ है। और वन ऑफ द मेन थिंग, जब भी हम बात करेंगे इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स के लिए जो नोटेशंस हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए। द नंबर्स लाइक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन और कॉल्ड इंटीजर्स, इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय, आपने याद रखना है नोटेशन को, जेड, कैपिटल जेड जो है इसके लिए यूज़ किया जाएगा। अनदर इज़ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स को कैसे लिखना है, द नंबर्स ऑफ टाइप, कौन सी टाइप होती है नंबर्स की, P/Q फॉर्म, P/Q वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, वहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0। एंड अनदर थिंग इज पी और क्यू किससे बिलोंग करते हैं, इट्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर से भी बिलोंग करती होनी चाहिए, इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ये छोटी क्लासेस में आप ये कंडीशन पढ़ के भी आते हैं कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो नंबर्स P/Q फॉर्म में हो बट क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और पी और क्यू किससे बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर से और रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को डोनेट कैसे करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2/3 है, 3/5 है, ये हमारे नंबर्स हैं। इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू से इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। अनदर इज इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, द नंबर्स विच आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल और कॉल्ड इरेशनल नंबर, उनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। लाइक
अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव एंड सो ऑन. दीज आर इरेशनल नंबर्स. एंड अनदर थिंग इज रियल नंबर्स. रियल नंबर्स क्या होते हैं? द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. दोनों का सेट्स हैं, रैशनल भी और इरेशनल्स का. इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स. जनरली इट इज जनरेटेड बाय कैपिटल आर. कैपिटल आर से इसको डोनेट करते हैं. तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि कैसे लिखना है. अगर हम Q पॉजिटिव लिख दें, Q पॉजिटिव क्या है? Q पॉजिटिव इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. ओनली पॉजिटिव नंबर्स की बात करेंगे, नेगेटिव वाले नहीं हैं, क्योंकि इंटीजर्स आर कंटेनिंग बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव. तो Q पॉजिटिव मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होगी. R पॉजिटिव लिखते हैं अगर, दैट इज सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स. तो उसमें पॉजिटिव रियल नंबर ही आएंगे. So this is our types of sets which we are discussing here. So please be concentrated on and you can revise your own self also.